Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is ptosis. What is ptosis? Ptosis is abnormal drooping of one or both upper eyelid. Is known as ptosis. Normally upper eyelid cover 2 mm of the cornea. Therefore in ptosis it covered more than 2 mm of the cornea. You know, we are going to assess the ptosis patient. ये पेशेंट आपके सामने जो बैठा हुआ है, इस पेशेंट को बाइलेटरल प्टोसिस है। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम मेजर करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो होता है MRD। MRD स्टैंड फॉर मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस। और ये होता है क्या बेसिकली, आप क्या करते हैं कि पेशेंट की आंख में टॉर्च लाइट जो होती है वो फ्लैश करेंगे, डालेंगे नियर ब्रिज के ऊपर, और आपको कॉर्नियल इफेक्ट नजर आएगा। इस कॉर्नियल इफेक्ट से जो है वो अपर विड मार्जिन तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमने मेजर करना होता है। जो मेल में नॉर्मल डिस्टेंस होता है वो मेल और फीमेल दोनों में सेम है, वो होता है 4 to 4.5 millimeter। जब टोसिस के केस में ये जो क्या होगा, कम होगा। आए इसको मेजर करते हैं। हम क्या करेंगे कि टॉर्च लाइट दिखाएंगे पेशेंट को और उसकी कॉर्नियल इफेक्ट से अपर विड मार्जिन तक का डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने अपर विड पे अलाइन किया और कॉर्नियल इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है 1 millimeter पे, राइट आई पे है। और इसी तरह हम इसको अलाइन करेंगे कॉर्नियल इफेक्ट के साथ 0 पे। सीधा देखो बेटा, रोशनी में देखो, लाइट में देखो, और ये नज़र आ रहा है, ये भी 1 millimeter पे है। जो टोसिस असेसमेंट का जो सेकंड स्टेप है वो है पैल्पेबल फेशियल हाइट मेजरमेंट। आपने अपर लिड और लोअर लिड का जो दरमियानी फासला होता है उसको मेजर करना होता है। आम जबान में इसको ये भी कह सकते हैं कि आई की ओपनिंग मेजर करनी है कि आई जो है वो ओपन कितनी होती है। नॉर्मल जो पैल्पेबल फेशियल हाइट जो होती है फीमेल्स में वो 10 to 12 millimeter होती है, और जो मेल्स होते हैं उनमें होती है 8 to 10 millimeter होती है। और टोसिस के पेशेंट में क्या होगा कि ये कम हो जाएगी। हम मेजर कैसे करते हैं कि हमने 0 स्केल अलाइन किया है लोअर लिड मार्जिन पे और अपर लिड मार्जिन का डिस्टेंस। थोड़ा सा जूम करो इसको बेटा, ये तो ये ऑलमोस्ट बनता है। आपने लोअर लिड मार्जिन को 0 पे अलाइन किया और फिर आप इसको लेके गए अपर लिड मार्जिन। सीधा देखो वो पेशेंट को आपने बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना है। ये बन रहा है जी 6 millimeter लेफ्ट आई में है। इसी तरह हमने अपर विड मार्जिन से लोअर विड मार्जिन का ये भी 6 millimeter है। तो थर्ड स्टेप है टोसिस असेसमेंट का, वो है लेविटल फंक्शन। लेविटल फंक्शन में आप जब आपने असेस करना है, एक चीज को आपने हमेशा माइंड में रखना है, वो ये रखना है कि पेशेंट को नीचे दिखाना है डाउन पोजिशन में। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे ताकि आप फ्रंटैलस के जो एक्शन है, जो ओवर एक्शन, उसको क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ताकि प्योरली यू आर एबल टू इवेलुएट द लेविटल फंक्शन। नीचे देखो बेटा, नीचे देखो, पाँव की तरफ देखो, आपके पाँव की तरफ नीचे देखो। यहाँ से हम इसको करेंगे और ये हमने इसका 0 लाइन कर दिया अपर विड मार्जिन पे। अब हम पेशेंट को ऊपर दिखाएंगे। बेटा ऊपर देखो, ऊपर देखो, फुल ऊपर, छत की तरफ देखो, छत देखो, छत 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 देखो। तो इसका है 4 millimeter राइट आई का लेविटल फंक्शन है। इसी तरह अब हम लेफ्ट आई पे जाएंगे। बेटा नीचे देखो पाँव की तरफ, और इसको हम फ्रंटैलस के एक्शन को स्टॉप करने के लिए यहाँ से प्रेस करेंगे अपर विड मार्जिन पे, इसको अलाइन करेंगे। ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो छत की तरफ, और ये भी 4 to 5 millimeter है। नॉर्मल जो लेविटल फंक्शन होता है वो होता है 15 millimeter या उससे ज़्यादा का हो तो वो नॉर्मल होता है। अगर आपका जो लेविटल फंक्शन है वो मोर देन 8 to 10 millimeter है तो वो आ जाता है, उसमें गुड में आ जाता है। अगर आपका लेविटल फंक्शन 5 to 7 millimeter है वो फेल में आता है। अगर आपका जो लेविटल फंक्शन जो आप मेजर करते हैं वो 4 millimeter या उससे कम आता है तो वो पुअर में आता है। जो पेशेंट हमने असेस किया है उसका लेविटल फंक्शन 4 mm था तो वो किस में आता है, पुअर लेविटल फंक्शन में आता है। जो नेक्स्ट स्टेप है टोसिस असेसमेंट का, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है
कौन सा? बेल फिनोमेना। अब बेल फिनोमेना चेक करने के दो तरीके होते हैं, या तो यह है कि आप पेशेंट की अपर लिड और लोअर लिड को ऐसे ओपन करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आंखों को फोर्सफुली क्लोज करें। आपने नोटिस क्या करना होता है? नोटिस ये करना होता है कि पेशेंट की अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आई बॉल होती है या नहीं होती। अगर अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आई बॉल होती है तो बेल फिनोमेना नॉर्मल है, अगर नहीं होती है तो बेल फिनोमेना इंटैक्ट नहीं है। हम इसको असेस करते हैं। बेटा दोनों आंखें बंद करो जोर से, देखो यहाँ पे आपको नजर आया अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आई बॉल है। एक ये मेथड है, दूसरा मेथड ये होता है कि आप पेशेंट की आंख पहले ही बंद करा दें। बेटा जोर से आंखें बंद करो, जोर से बंद करो, फिर आप उसको फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो हियर यू कैन सी कि जो अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग है आई के, आई ऑलरेडी ऊपर गई हुई है, ठीक है। तो बेल फिनोमेना जो है वो बेसिकली चेक करना क्यों जरूरी है? सर्जरी के लिए बेल फिनोमेना चेक करना इसी रिस्पोज आप सर्जरी कर देते हैं, आप लिवेटर रिसेक्शन कर देते हैं या स्विंग डाल देते हैं जिससे आपकी लीड ऊपर हो जाती है। जब अपवर्ड एंड आउटवर्ड रोलिंग नहीं होगी तो कॉर्निया ड्राई होने का चांस होता है जिससे केराटाइटिस होती है और बाद में ब्लाइंडनेस होने के भी, केराटोपैथी होने के चांसेस होते हैं। अगर बेल फिनोमेना इंटैक्ट नहीं है तो फिर सर्जरी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर आपने सर्जरी करनी ही हो तो फिर आप क्या करते हैं कि पूरा जो कॉर्निया होता है वो एक्सपोज नहीं करते। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मार्कस गंजा, मार्कस इसको हम क्या कहते हैं, मार्कस गंजा विंकिंग फिनोमेना भी कहते हैं, ठीक है। मार्कस गंजा बेसिकली है क्या? मार्कस गंजा ये होता है कि जिसमें थर्ड और फिफ्थ सी जो आपकी नर्व है उसकी मिस इनर्वेशन होती है, ठीक है। तो जब आप मैस्टिकेशन करते हैं आपके जो मैस्ट्रॉइड मसल्स होते हैं जा मूव करते हैं, जा के मूव करने से आपकी जो लिड है वो क्या करती है, ट्विच करती है, ऊपर नीचे मूव करती है, तो इसकी टोसिस के साथ एसोसिएशन होती है, इसको रूल आउट करना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कोई भी खाने की चीज़ देते हैं, जैसे ये हम कैंडी दे रहे हैं पेशेंट, बेटा खाओ इसको और इसको च्यू करो, चुबाओ इसे, चुबाओ। आप यहाँ देख सकते हैं कि पेशेंट च्यू कर रहा है लेकिन उसकी लिड में कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये शो करता है कि पेशेंट में मार्कस गंजा फिनोमेना नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लिड क्रीज, हमने लिड क्रीज मेजर करनी होती है। लिड क्रीज हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये जो केस है ये कॉन्जेनिटल का है या एक्वायर्ड है। तो कॉन्जेनिटल केसेस में यूजली जो लिड क्रीज होती है वो एब्सेंट होती है और एक्वायर्ड केसेस में हाई होती है,